बांग्लादेश, हमारे पड़ोस में बांग्लादेश के अंदर आज आज की सबसे बड़ी खबर ये है, बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के ऊपर होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ फाइनली यूएन भी बोल उठाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस इशू को इंटरनेशनल लेवल पे उठाने में इसराइल ने इंडिया की बहुत ज्यादा हेल्प की है। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि इसराइल ने तमाम मुस्लिम कंट्रीज के मुंह पर एक बहुत बड़ा चपाटा मारा है। देखें, आप बॉन्डिंग चेक करें, हिंदुओं के साथ ऐसे ही थोड़ा सा भी कोई गलत कदम उनके खिलाफ उठा है, फौरन इसराइल ने इस पर एक्शन लिया है। तो इसराइल किस चीज की हिमायत लेने के लिए आ गया है इंडिया के साथ, उसको किस चीज की हमदर्दी है? जाहिर है इंडिया एक बड़ा मुल्क है, उसका अपना एक वेट है और उस वेट को देख के तो उनके साथ ये डील करते हैं या रिएक्ट करते हैं। अच्छा, वैसे जो इसराइल और भारत में 1960 की दहाई में फौजी तावन शुरू हो गया था, भारत के सबसे पक्के दोस्त इसराइल ने बांग्लादेश की कट्टरता को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करके रख दिया है। वैसे तो उन्होंने अपने अलाई के हक में बात की है, लेकिन इसराइल के मुंह से कोई इंसानियत की बात जचती नहीं है। अच्छा। क्योंकि जब हम देखते हैं फलस्तीन में आपने 40,000 बच्चे ही, अब तक 85,000 टन बारूद गजा पर बरसाया जा चुका है, जिसके नतीजे में अब तक 40,000 फलस्तीनी शहीद, 92,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। उसको रोकने वाला कोई नहीं है, उसकी माइट बहुत बड़ी है, अमरीका की सपोर्ट तो है ही है। क्या अमेरिका भी आ सकता है? क्योंकि अमेरिका तो ऑलरेडी आ गया ना। अच्छा, कि जब इसराइल ऑफेंस में आएगा तो अमेरिका फैसिलिटेट करेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बात चल रही है, वास्तव में वो सही बात है कि इजराइल ने बांग्लादेशी हिंदुओं को सबसे बड़ी मदद की है उस समय, जबकि उनके ऊपर उनके ही देश बांग्लादेश के अंदर सिर्फ धर्म अलग होने के कारण उन पर हमले किए जा रहे हैं, जिसको कि बांग्लादेश के अंदर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर भी दुनिया के जो भी बड़े देश ह्यूमैनिटी के ठेकेदार बनते हैं उन्होंने चुप्पी साध रखी है, और इस्लामी देशों को तो भूल ही जाएं कि इस पर बात करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स भारत ने इसके ऊपर बात करना ही था, साथ ही साथ भारतीय मीडिया ने भी इस मामले पर जोरों शोरों से उठाया। लेकिन जो काम इजराइल ने किया है बांग्लादेश के अंदर भारतीय हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसके ऊपर बोल करके, उससे सबसे बड़ी हेल्प ये हुई है कि उसके बाद यूनाइटेड नेशन को भी बांग्लादेश के अंदर हो रहे अत्याचार के ऊपर बोलना पड़ा है। यानी अब यह मामला हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का मामला बांग्लादेश के अंदर इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर बातें शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। बांग्लादेश, हमारे पड़ोस में बांग्लादेश के अंदर आज आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि चिमा साहब, बांग्लादेश के दो शहरों में हसीना वाजिद के हक में दो जुलूस निकाले गए दो शहरों, और फौज की एक गाड़ी को नजर आतिश भी कर दिया गया। दूसरा, यहाँ जहां मैं बैठा हूं, यहां से 100 मील के फासले पे हसीना वाजिद मैडम का लड़का वर्जीनिया में, उसने मिली जुली सी स्टेटमेंट दी। पहले एक दिन उसने स्टेटमेंट दी कि उसने कहा वी डोंट हैव नथिंग टू डू विद बांग्लादेश, लेकिन दूसरे दिन उसने कहा कि हाँ, मेरी माँ वर्कर्स को तो नहीं इस तरह छोड़ के जा सकती, माँ भी वहां से नहीं जा रही। दो किस्म की थ्योरीज है वहां से निकल रही है। सबसे बड़ा जो इसमें पार्टी जो हर्ट हो रही है वो भारत है, और भारत से कुछ लोगों की उनकी ख्वाहिश है कि ये वापस जाए इलेक्शंस में, जाके इलेक्शन लड़े, फिर हो सकता है कुछ पोजीशनिंग बेहतर हो जाए। और दूसरा, खालदा जिया साहिबा जो है उन्होंने ये उनकी स्टेटमेंट दी थी कि हम इंतकाम में नहीं जाएंगे। उससे आगे चलते हैं बांग्लादेश के हवाले से, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं रऊफ साहब उनका नाम था, वो रिजाइन कर गए। अभी तक पता नहीं चल रहा कि इस वक्त उनके पास फॉरन रिजर्व क्या है। 4.5 या 4.7 बिलियन उनके पास था, जो 4 महीने के लिए काफी था, लेकिन उनकी मुसलसल उनकी जो है वो करेंसी डिवैल्यू हो रही है। डॉक्टर यूनस हैज लैंडेड इन बांग्लादेश, उन्होंने ओथ अपना ले लिया है। डॉक्टर यूनस के पास सबसे बड़ा एहसान बांग्लादेश पे ये है, खवातीन को उन्होंने कर्जे दे देकर उन्होंने जो कॉटन का बिजनेस सारा वहां चलाया, सारा उसका क्रेडिट जाता है डॉक्टर यूनस के पास। हाँ, कहा जा रहा है वो सीए एजेंट है, उनको तो बेसिकली लॉन्च किया गया है, ये एक पर्सपेक्टिव है इसका। वो ठीक है, मैं लेकिन देखें उनके ऊपर कोई करप्शन का चार्जेस तो कोई नहीं ना, सीआईए के लिए हो सकता है सीआईए को पैसे ले लेते, इनसे तो कुछ नहीं लिया ना। लेकिन चीमा साहब ठीक है, लेकिन इकोनॉमिस्ट तो है ना चीमा साहब, उसने प्रूव तो किया ना बांग्लादेश के साथ प्यार, तो उसने प्रूव किया ना चीमा साहब, स्किल्स है उसकी, स्किल्स तो है ना उसके अंदर। और तीसरी एक बात है, जो बच्चे 300 बच्चा मरा है और जो बाकी लड़के खड़े थे उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया उसके लिए चीमा साहब, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक तो वो मैं समझता हूँ कि चलें वो तो राइट ट्रैक पे है, अल्लाह करे बेहतर हो जाए।
बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के ऊपर होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ फाइनली यूएन भी बोल उठा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे ही हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया और वो इंडिया फरार होगी, उनके जाने के बाद से बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू कम्युनिटी के घरों को, उनकी दुकानों को आग लगाई जा रही है। हिंदू कम्युनिटी पर इस तरह का जुल्म और सितम किया जा रहा है कि पहले इसराइल ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस हवाले से ट्वीट किया और अब फाइनली यूएन भी इस पर बोल उठा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इशू को इंटरनेशनल लेवल पे उठाने में इसराइल ने इंडिया की बहुत ज्यादा हेल्प किया है। अब आते हैं बात के 1,30,00,000 बांग्लादेशी जो कभी आजादी के वक्त में 23% हुआ करते थे, आज बांग्लादेशियों की संख्या जो है वो घट करके 7% पर आ गई है। मुझे खुशी है कि देर आए दुरुस्त आए, यूएन को एहसास हुआ कि मुझे इस पर बोलना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं और कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो बहुत ही ज्यादा डबल स्टैंडर्ड का काम करती है, जैसे अल जजीरा है, जैसे आपके पाकिस्तानी चैनल्स हैं, जो हमेशा से भारत में किस मुसलमान के साथ क्या हो रहा है उसको तो बड़े बड़े हरफों में ऐसे छापेंगे जैसे लगता है कि पूरे मुसलमान का गला ही रेत दिया गया है। लेकिन जब बांग्लादेश में 300 से ऊपर हिंदूज मर गए, 4 से 5 हिंदू मंदिरों को जला दिया गया, आइस्कॉन टेम्पल तोड़ दिया गया, तो इतना कुछ होने के बावजूद भी मैंने नहीं देखा कि अल जजीरा पर कोई हेडलाइन आया है या बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पर कोई हेडलाइन आया है। बड़ा बुरा भी लगता है कि आखिर ये डबल स्टैंडर्ड वाला पत्रकारिता और ऐसी मीडिया चलाने का फायदा क्या है जहाँ पर आप सच नहीं दिखाते हो। पहली बात तो ये कि ये यूएन जो है ना, ये सबसे बड़ा ड्रामा है। अच्छा, फलस्तीन को देख लें, फलस्तीन के लिए यूएन ने क्या किया पिछले जो है ना 1 साल होने वाला है कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है रोजाना आप देखते हैं, लाशें गिर रही हैं, इवन के वहाँ पे मस्जिदें और अस्पताल भी सेफ नहीं है। तो यूएन जो है ना वो बहुत बड़ा ड्रामा है, तो यूएन ने कुछ भी नहीं किया। और उन सारी चीज़ों को छोड़े कश्मीर को देख लें, कश्मीर के अंदर ये इसमें दरियाँ हो रही हैं, ये पहली दफ़ा नहीं कि ये बांग्लादेश के अंदर कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर यूएन ने आज तक कुछ नहीं किया। तो यूएन तो सबसे बड़ा ड्रामा है। दूसरा, बात कर रही थी कि इसराइल, तो इसराइल किस चीज़ की हिमायत लेने के लिए आ गया इंडिया के साथ, उसको किस चीज़ की हमदर्दी है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है, मेरे नॉलेज में नहीं है, मैंने नहीं सुना। अब बात रहेगी कि हिंदुओं को ये हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है। और दूसरा, इसराइल जो कुछ कर रहा है तो मेरे ख्याल में इसराइल को इस तरह का बयान नहीं देना। 75 इस्लामी ममालिक है, कोई भी जो है वो बांग्लादेश में होने वाले हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ जो जुल्म और सितम है उस पर नहीं बोला सवाय इसराइल के। इस्लामोफोबिया को मद्देनजर रखते हुए सारा का सारा मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर एक जो हेट प्रोपेगेंडा है उसको वो उजागर करने के लिए सारा काम कर रहे हैं। अब उनका एक गुजराती न्यूज़ चैनल है, उसके अलावा बाकी उनके एक दो ट्विटर एक्स के ऊपर उनके जो न्यूज़ चैनल थे उन्होंने फेक वीडियोज़ को अपलोड किया। अच्छा। और उसको बेस बना के जो है वो उन्होंने ये क्लेम किया कि ये हिंदू माइनॉरिटीज़ के घर हैं जिनको जो है ना वो अटैक किया जा रहा है।